मात्र हमन के मेन पहला एजेंडा है जौन प्रधानमंत्री केपी ओली संसद भंग करे के सिफारिश कैले, चुनाव घोषणा कैले। चुनाव में हमन के आपत्ति नहीं बा, जैसे हमन के विशिष्ट अतिथि राधेश्याम जी और उत्तमा बहनी कहल गए, चुनाव से हमन के नहीं भागा पे जाए। हमन के केंद्रीय सभापति शेरबहादुर देउरा जी भी स्पष्ट रूप से कहल जाता, अगर अदालत चुनाव के सदर कह दे तो नेपाली कांग्रेस पर सामना करे खातिर चुनाव में भाग ले खातिर तैयार है। और लेकिन जब तक वो सदन में आए, ये जो असंवैधानिक कदम बा प्रधानमंत्री के, ओकरे विरोध में हमन के ज्यादा से ज्यादा साथी लोगन के सक्रिय करा के लगे खा कहा कि जो हमन के अधिवेशन आवता वो के भी हमन के आंदोलन के तहत हमन के कुछ पीछे भी होके रख के, और हमन जैसे जितना भी क्रियाशील साथी लोगन के पुराना बा वहां के भी आगे बढ़ाया था, और नया जो साथी हमन प्रवेश करके फॉर्म भरले हैं वहां के भी सक्रियता के भी हमन के थोड़ा सा एक किस्म से मूल्यांकन भी हुए, और वहां के योगदान वहां के भूमिका के भी हमन के एक उच्च मूल्यांकन करके वहां के पोजीशन के बारे में भी हमन के सोचल जाए, ताकि एक बहुत अच्छा ये अवसर भी बा असंवैधानिक कदम के विरोध में, ऐसे कि संविधान में व्यवस्था नहीं बा कि संसद भंग करके। हाँ एक बात होला, जैसे संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के सबसे बड़ा अधिकार है संसद भंग करके बर्मास्त होला, लेकिन वो ई संविधान जो 2072 में हमके जारी कई जा जो सहमति से एमन व्यवस्था नहीं बा, जनरल होला इंटरनेशनल उसमें बा संसदीय व्यवस्था में होला, लेकिन वो व्यवस्था में जो भंग करे का अधिकार है तो अब की बारी हमन के नेपाल के संविधान में वो व्यवस्था नहीं बा। वैसे जो बात संविधान में नहीं बा उस भय कैसे कैसे प्रधानमंत्री सिफारिश करे और कैसे राष्ट्रपति ओके घोषणा कही बा, तो ओकरे नाते हम घोर हमन के विरोध बा। और एक अदालत के फैसला जब तक नहीं होता, चाहे संसद पुनर्स्थापना के पक्ष में हो अथवा चुनाव के पक्ष में हो, तब तक हमन के आंदोलन जारी रही। और जो राधेश्याम जी कहल गए हमन के महासमिति सदस्य, ये हमन के बाध्यता है, बाध्यता भी है और समय की आवश्यकता भी है। और इस ये कार्यक्रम के चलते, ये आंदोलन के चलते हमन के राष्ट्रीय स्तर में भी नेपाली कांग्रेस के अब की बारी दुई तिहाई अगर चुनाव हो तो अब की बारी नेपाली कांग्रेस के बहुमत के भरनाए दुई तिहाई के सरकारें बने। कहे कि बहनी उत्तमा कहली और राधेश्याम जी भी कहल गए कि वास्तव में ई खाली असंवैधानिक कदम की बात नहीं बा, एमन भ्रष्टाचार के भी बात बा। सारा जगह भ्रष्टाचार कैले के बाद भी अभी तो लोगों के पेट नहीं भरल, और आके लड़का से लेके पीड़ित तक जहां जान जाता कोरोना के, उन दवाई किनले में इंजेक्शन किनले में भी भ्रष्टाचार कह रहे हो। निर्मला हत्याकांड से लेके बलात्कार वाला से लेके सब हर जगह भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार बा। और किसान के हक में भी देखल जा, कहीं मल खाद देखल जा, जब से अति भैल बा मल खाद कहीं साझा संस्था सहकारी संस्था में नहीं मिलता, कहे यूहू में कमीशन के खेल बा। वैसे आपके रोजगारी के बात देखल जा, कहा लोग जा रहे कांग्रेस के टाइम में 30 लाख युवा विदेश चल गए हैं, तो इतना टाइम कहा 50 लाख से ऊपर हो गए, तो कम्युनिस्ट के शासन में तो घटक न चाहत रह, तो 30 लाख के कैसे 50-55 लाख इतना पहुंच गए इतना टाइम, तो रोजगारी में भी तो कौन अथी नहीं है, युवा के कौन रोजगारी नहीं मिलल। और किसान के का कहल मल खाद नहीं मिलल, और ओकरे बाद बहुत धान के भाव तो कहता ना धान कीने के कोनो सेंटर नहीं बनो ले, ते कहे ते सब खाली एक जनता के धोखा देंगे, मजदूर के भी कोनो किस्म के गारंटी नहीं है रोजगारी के, सब विदेश भागे पड़ा, किसान के भी कोनो सुविधा नहीं भाई, भ्रष्टाचार के तीन कार्ड तोड़ दे, पूरा विश्व में टॉप 10 में नेपाल भ्रष्टाचार में आ गया, मतलब 10वां देश के अंदर ही पड़ता, मतलब टॉप
टॉप लिस्ट में ते सब का बा सब का जरा नेकपा के जो सरकार के गलत क्रियाकलाप ओकरे विरोध में हमन के दूसरा एजेंडा काहे कि अगर संसद पुनर्स्थापना भी हो जाए तो फिर अगर हमन के ना विरोध अति प्रबल रूप में रह जाए तो का कहल जला फिर ओहन एक सरकार बनी फिर केपी ओली के हटा के अपने में दूसर कम्युनिस्ट के कोनो नेता के प्रधानमंत्री बना के सरकार बना सके न सब तो से हमन के भ्रष्टाचार और तमाम इस सरकार के गलत क्रियाकलाप बात और दूसरा नंबर के एजेंडा में हमन के रखत है जा लेकिन पहला ऐसे कि नेपाली कांग्रेस और लोकतंत्र ये पर्यायवाची शब्द है नेपाली कांग्रेस यहाँ प्रजातंत्र स्थापना कैल 7 साल में ओकरे बाद फिर का कल 46 साल में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में पुनर्बहाली भाई संविधान जितना भी जारी भाई बहुदलीय व्यवस्था के बाद 47 साल के संविधान अथवा 72 साल के संविधान अथवा महत्वपूर्ण जितना भी चैलेंजिंग इलेक्शन रहा उस संविधान के कार्यान्वयन करे खातिर वो इलेक्शन भी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में ही इलेक्शन सफल भे कहे कि पहले जब दूसरे के नेतृत्व रहा तो उतना टाइम जम्मा प्रदेश नंबर 2 के और प्रदेश नंबर 5 के इलेक्शन नहीं भे खंड खंड में भे जब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व भे शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री भे तो बाद नया संविधान के निर्वाचन दूसरा खंड के तब जाके सफलता मिल और कार्यान्वयन भे ऐसे नेपाली कांग्रेस के हमन के जो एजेंडा बा खाली जिला तहत जो पहले हो रहा ओके भी इतना टाइम रणनीतिक रूप में चेंज कर लेब नेपाली कांग्रेस एक अब प्रदेश स्तर में भाई आपके हमके भूमि भैली प्रदेश के और उसके बाद चौपत्ता भैल बेलाटारी भैल ऐसे हर एक प्रदेश में भैल पालिका के आज होता कार्यक्रम हर जगह जो 350 जगह 750 जगह करके अभी बात आए राधे श्याम जी बताओ गए तो अब एक बार फिर 8 बजे हम उनके बड़ा स्तर के कार्यक्रम बा ओके भी एकदम पूरा सक्रियता के साथ हम उनके सफल बनावे बा ताकि हम उनके चुनाव हुई चुनाव के लिए भी हम उनके तैयार है जा ओकरे लिए भी ये आंदोलन हम उनके चुनावी प्रचार प्रसार के भी ये माहौल ये आंदोलन ओके भी सपोर्ट करी वे माहौल ये आंदोलन ओके भी माहौल दे चुनाव में हमन के अत्यधिक मत सीट लड़ने में ये सहयोगी हुई